तो कैसे है आप? आज मैं आपको इस टाइप का टी लेटर लोगो इलस्ट्रेटर में कैसे बनाना है वो सिखाने वाला हूँ। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने इलस्ट्रेटर प्रोग्राम चालू कर दिया है। यहाँ पर मैंने कलर ब्लैक ले लिया है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करता हूँ और उसके विड्थ 250, हाइट 50 रखता हूँ कुछ इस तरह। उसको अलाइन टू आर्टबो कर देता हूँ दोस्तों। अभी एक और इक्लिप्स यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ, उसकी विड्थ 50 और हाइट उसकी 250 रख देता हूँ दोस्तों कुछ इस तरह, अलाइन टू आर्टबोर। अभी इसको यहाँ से मैं ज्वाइन कर देता हूँ दोस्तों इस तरह, और ये दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा दोस्तों। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और ये 6 एंकर पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा और हल्का सा उसको राउंड कर दूंगा दोस्तों। इतना होने के बाद अभी हम इक्लिप्स बनाएंगे दोस्तों, लिप। अभी लिप बनाएंगे, इक्लिप्स टूल का यूज करूंगा और कुछ इस टाइप का एक इक्लिप्स पेन टूल में एंकर पॉइंट टूल, और ये दोनों पॉइंट पे कुछ इस तरह का सिलेक्ट कर दूंगा तो हमारा कुछ लिप टाइप का शेप मिलेगा। उसको मैं कलर कुछ इस टाइप का दे देता हूँ। वो भी अभी इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कर देता हूँ और यहाँ से उसको मैं थोड़ा माइनस कर दूंगा। ये दोनों को सिलेक्ट करूँगा और अलाइन कर दूंगा फिर से दोस्तों, और ये अंदर वाले को मैं कुछ अलग कलर दे देता हूँ। अभी दोस्तों ये दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और उसको रोटेट करूँगा और हमारे ये जो शेप बनाया है उसके ऊपर उसको बिठाऊँगा दोस्तों बराबर कुछ इस तरह। अभी क्या करते हैं, यहाँ से मैं कुछ एक और नया कलर लेता हूँ, पेन टूल स्ट्रोक में कन्वर्ट पेन टूल लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं एक शेप बनाऊँगा। और इसको डायरेक्शन सिलेक्शन टूल से हम थोड़ा उसको बेहतरीन रूप देंगे दोस्तों। दोस्तों इतना हो जाने के बाद अभी ये सबको सिलेक्ट करते हैं, शेप बिल्डर टूल लेते हैं यहाँ से, और जो पार्ट हमें नहीं चाहिए वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे दोस्तों कुछ इस तरह। इतना पार्ट हमने दोस्तों माइनस कर दिया है यहाँ पे, और जो ये वाला पॉइंट ग्रीन लिप था उसको मैं कुछ अलग कलर दे देता हूँ, आपको दिखेगा बराबर क्या कर रहा हूँ। उसको हम ड्रॉप शेडो के यूज तरीके से यूज करेंगे। इसको हम यहाँ से थोड़ा डाउन करेंगे कुछ इतना पार्ट, सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर से हमें बाकी का पार्ट रिमूव कर देना है दोस्तों कुछ इस तरह दोस्तों। और जो ये ऑरेंज वाला पार्ट है उसको हम ऊपर ले लेंगे कुछ इस तरह दोस्तों, और उसको हम ब्लैक कलर दे देंगे ऑरेंज वाले पार्ट को, और ये वाले पार्ट को यहाँ से हम ये वाला कलर दे देंगे ग्रीन टाइप का दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, ये वाला सिलेक्ट करेंगे ट्रांसपेरेंसी में, यहाँ से मोड उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी ओपोसिटी कुछ इस तरह कर देंगे हम दोस्तों। तो यह लिप का ड्रॉप शेडो पड़ रहा है ऐसा कुछ दिखेगा दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों अभी आपको पेन टूल से ही सब काम करना है और यहाँ से आपको बढ़िया एक शेप रेडी करना है जैसे कुछ इस तरह दोस्तों, और ऐसे ही शेप आपको यहाँ पे बनाते रहने हैं। दोस्तों इतना शेप बन जाने के बाद आप सबको सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम मर्ज कर देंगे यहाँ से पाथफाइंडर टूल से, और फिर से वही वाला कलर हम कर देंगे और उसको अरेंज में हम सेंड टू बैक कर देंगे तो हमारा ड्रॉप शेडो ऊपर आ जाएगा।
तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का टी लेटर लोगो रेडी हो जाएगा। दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।